College, uh, students, हम लोग फोटो केमिस्ट्री uh, पढ़ रहे थे और लगभग हमने आधे से ज्यादा उसका चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसमें जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिबलॉस की डाइग्राम जो कि uh, जो फेट ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल बताता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या से जो फोटोन है उसको जब कोई रिएक्टेंट एबजॉर्ब कर लेता है उसके बाद में उसके पास क्या क्या होते हैं उसका भविष्य क्या होता है इस सब के बारे में एक छोटे से डायग्राम जेबलॉस के डायग्राम में अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जिसमें कि कुछ नई टर्म्स आई थी मल्टीप्लिसिटी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इंटरनल कन्वर्जन फॉस्फोरोसेंस फ्लोरोसेंस और ट्रिपलेट सिंगलेट एट ये सारी चीजें हमने लास्ट में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे जो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक नियम है या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का जो नियम है जिस जो ये कहता है कि एक फोटोन एक मॉलिक्यूल मतलब एक फोटोन से एक मॉलिक्यूल करना चाहिए एक्साइटेड होके तो वो जो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक है वो कई जगह पर गलत साबित होता है ठीक है और उसको गलत साबित करने के लिए एक टर्म जो डिफाइन किया था हमने वो थी क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम दक्षता तो जो क्वांटम दक्षता है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस रूल रासायनिक प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम के अनुसार उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए लेकिन वो 1 नहीं होती है अधिकतर तो वो जो उच्च और अल्प क्वांटम दक्षता है वही हम आज डिस्कस करेंगे है ना ठीक है हाई एंड लो क्वांटम एफिशिएंसी ये आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जस्ट मिनट ओके okay. hmm. तो अगर हम यहां देखें हमारे पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन हो रहा है H2 टू और आई टू ना ये एक एग्जाम्पल है तो जब हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है कितने में टू इसका 207 से लेकर 282 नैनोमीटर ये इसका वेवलेंथ है जिस पर कि ये डिसोसिएट हो रहा है ठीक है तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है पे अगर दो से दो नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन इसपे स्ट्राइक करती है सपोज तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में डिसोसिएट हो जाता है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसके लिए जो फाइव की वैल्यू है वो आती है टू जबकि आने कितनी चाहिए थी वन अकॉर्डिंग टू फोटोकेमिकल है तो जस्ट डबल है ये तो ये तो डबल ही हुई एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना इसके लिए 400 सौ की जो लेमडा है वेवलेंट डाली जाती है इसके लिए जो फाइव की वैल्यू आती है वो ट्रीमेंडसली हाई है बहुत ज्यादा हाई है पावर फोर से लेकर टेन टू दावर सिक्स तक ठीक है यहाँ पर फाइविकल टू वन दो सौ आठ नोमीटर पे ये ओजोन बन रहा है ऑक्सीजन से

ये तो हमने देख लिया बहुत हाई है जो अमोनिया का डिसोसिएशन होता है उसमें वो 0.25 तक होता है पाई पाई वैल्यू जीरो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में होता है तो ये काफी जो रिएक्शन है उन, उन द्वारा इस प्रकाश रासायनिक तुल्या का पालन नहीं किया जाता है तो इसका कारण क्या है उस कारण को आज हम इस लेक्चर में समझेंगे इसके लिए हमें इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है उसको समझना होगा कि होता क्या है तो पहले हम देखेंगे हाई क्वांटम एफिशिएंसी जो उच्च मान इसके आ रहे हैं जैसा कि हमने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड जो बन रहा है एच उस केस में क्लोरीन और हाइड्रोजन से तो वो बहुत ज्यादा है 10 टू द पावर 4 से लेकर 10 टू द पावर 6 तक आ रहा है तो ये रिएक्शन का प्रोसेस क्या है अगर वो हम समझ में आ जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ज्यादा होती क्यों है तो ये दो प्रोसेस में सपोज ये पूरा हो रहा है सबसे पहला प्रोसेस क्या है फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें

ठीक है या तो ये टक्कर द्वारा ऊर्जा का हास कर देगा इसमें फॉस्फोरस फ्लोरोसेंस की भी प्रवृत्ति होती है या फिर फ्री रेडिकल रहेगा तीन चीजें हैं सेकेंड प्रक्रम जो हमने जेबलोस के डायग्राम में देखा था वही डिस्कस किया है यहाँ पर या तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा या ये टक्कर करके ऊर्जा का हास कर देगा और नॉन रेडिएटेड डिग्गे देगा जो इन इं, जो इंटरनल कन्वर्जन से हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में अपर जो एक्साइटेड स्ट्रीट उसमें सिंगलेट एक्साइटेड का लोअर स्टेट पे आते हैं इंटरनल कन्वर्जन से उसके बाद जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आते हैं वो कहलाता है फॉस्फोरोसेंस या ठीक फ्ल्यूरो तो, तो होता है नॉन रेडिएटिव डिके है ना और ये होता है रेडिएटिव डिके तो ये तीन चीज़ें इसके साथ हो सकती है तो पेट जो हम ऊपर देखें अब सेकेंड जो प्रोसेस है ये प्रोसेस तो हम देख चुके हैं

कोई ए बी मॉलिक्यूल ये सेकंड प्रोसेस देख रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कोई ए बी मॉलिक्यूल है उस पर एच न्यू रेडिएशन हुआ तो वो दो फ्री रेडिकल में चेंज हो रहा है एक ए एड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एक ये बी जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे इस पर डिपेंड करेगा कि फाइव की वैल्यू क्या होती है ठीक है अब फाइव इज इक्वल टू टू है जैसा कि हमने ऊपर भी एक रिएक्शन में देखा था ये रिएक्शन जो फर्स्ट नंबर की रिएक्शन थी एच आई का डिसोसिएशन हो रहा है लेमडा टू जीरो सेवन से टू एटी टू नैनोमीटर पे तो वहां पर फाइव की वैल्यू टू है तो वहां क्या हुआ है ये देखिए वहां हुआ ये है कि जो फ्री रेडिकल बना है इस एच से हमारे पास ए और बी इस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल ने सपोज ए ने ये जो फ्री रेडिकल था इसने ए बी जो रिएक्टेंट है उसके एक और मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया ठीक है और उस ब्रेक करने से क्या हुआ हमारे पास ये ए टू बना एक और एक बी फ्रेडिकल फ्री रेडिकल बन गया तो क्या हुआ फोटोन था एक यहां पर फोटोन तो एक था लेकिन मॉलिक्यूल कितने ब्रेक हुए यहाँ एक तो ये वाला ए भी सपोज फर्स्ट एंड ये ये वाला ए भी ये हो गया सेकंड तो दो मॉलिक्यूल ए बी के ब्रेक हो गए किसे एक फोटोन से जबकि फोटो केमिकल रूल क्या कहता है एक फोटोन और एक मॉलिक्यूल yes. so, एक फोटोन एक मॉलिक्यूल ये कहता है केमिकल लेकिन यहां क्या हो रहा है एक फोटोन एंड टू मॉलिक्यूल इसीलिए यहां पर जो क्वांटम एफिशिएंसी हो गई वो हो जाती है फाइजिकल टू टू तो रेडिकल है इसलिए हो रहा है दूसरा एक काम और हो सकता है कि ये जो रेडिकल बना है ये और आगे बढ़ के और रेडिकल बना दे ठीक है और वो चेन सिस्टम हो जाए तो इससे फाइव का मान बहुत गुना तक बढ़ जाता है जैसा हमने ऊपर देखा कि HCL बन रहा है उसमें ऐसा तो क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन है सिंपल इसमें सबसे पहले क्लोरीन है वो एक्साइटेड हुआ एच यू को उसने एब्जॉर्ब किया और दो फ्रेडिकल दे दिए कितने फ्रेडिकल दिए दो इन दो फ्रेडिकल में से एक फ्रेडिकल टकराता है किससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से इस हाइड्रोजन को वो चेंज कर देगा किसमें एक तो बन जाएगा एच सी एल मालिक्यूल और एक हाइड्रोजन फ्रीरेडिकल दे देगा अब ये हाइड्रोजन फ्रीएडिकल जो यहाँ से निकला पहले तो क्लोरिन फ्रीरेडिकल जो एक्साइट हुआ था यहाँ से मिलकर बना था उसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अटैक किया और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दिया अब ये हाइड्रोजन रेडिकल वापस क्लोरीन पे अटैक कर रहा है एक मॉलिक्यूल पे ठीक है और ये फिर एच दे रहा है और बना रहा है सी फ्री रेडिकल तो हमारे पास दोनों संभावनाएं अब भी ऑप्शन खुले हैं हमारे पास यहाँ पर खूब सारे सी एल टू मॉलिक्यूल्स हैं खूब सारे एच टू मॉलिक्यूल्स है साथ में इनको ब्रेक करने के लिए खूब सारे फ्री रेडिकल एच भी है और सी एल भी है तो जब रिएक्टेंट जो है वो भी अवेलेबल है और रिएक्शन प्रोग्रेस के लिए जो हमें चाहिए फ्रीडिकल वो भी अवेलेबल है तो होता क्या है ये चेंज सिस्टम चालू हो जाता है ये चेंज सिस्टम चालू हो जाता है ठीक है इस चेंज सिस्टम के चालू होने से क्या होता है

ये कम क्यों होती है ये कम इसलिए होती है कि जिब्लोस की जो हमने डायग्राम देखा उसमें बताया है कि जो मॉलिक्यूल है सपोज वो एक्साइटेड होता है इस एच न्यू से ठीक है तो फोटोकेमिकल एक्विलेंस जो रूल है वो तो यहीं तक कह के रह जाता है कि भाई एक्साइटेड हो गया तो रिएक्शन हो गई वन फोटोन वन क्वांटा वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना लेकिन ऐसा होता नहीं है इस जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है इसके जो भविष्य है वो कई चीजें करता है जो हमने देखा है के डायग्राम में इसके पास कई तरीके हैं वापस अपनी इस एनर्जी को लूज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए है ना ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास कई तरीके हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन इशू करिए है, है ना तो एक तो क्या करता है ये एक्टिव मॉलिक्यूल है ये जो नॉन एक्टिव अणु है उससे टकरा अपनी ऊर्जा को देगा ठीक है दूसरा ये सारे तो हम देख ही चुके पर मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फॉस्फोरोसाइंस फ्लोरोसेंस या हीट रेडिएशन के रूप में नॉन डीके होता है हीट निकल जाता है ठीक है ये सारी चीजें नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल से टकरा कर अपनी एनर्जी खो दे एनर्जी उसको दे दिया लेकिन वहां आगे वो काम नहीं आई तीसरा जो प्राइमरी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है उसमें हमारे पास फ्री रेडिकल वाला ए और बी सब अब ये वापस दोनों जुड़ जाए फ्री फ्री रेडिकल रेडिकल ही तो है ठीक है और ये वापस जुड़ के ये ए बी और रेडिएशन निकाल दें तो ये इनवर्स इन शुरू हो जाए प्रतीक्शन शुरू हो जाए तो ये सारे कारण हैं कि की वैल्यू बहुत कम हो जाती है जैसे इक्वल टू इतना कम वैल्यू है है ना तो ये सारे कारण हैं है यो क्वान्टी की जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल गया है वो बजाय इसके कि वो केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाए वो नॉन रेडिएटेड हीट से या फिर दूसरे जो नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल से टकरा करके या फिर जो इन्वर्स रिएक्शन उसमें शुरू हो जाए वापस जो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है ना तो इस तरह से वो अपनी एनर्जी को खो देता है तो ये लो क्वांटम एफिशिएंसी है ऊपर हमने देखा जो चेन है चेन प्रोपोगेशन और वो सब होता है वो जो होता है वो हाई क्वांटम एफिशिएंसी के कारण होता है तो यह दो कारण है मेन हाई एफिशियंसी के एंड लो एफिशंसी के आज हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट इसका छोटा सा भाग बचा है वो फोटोसाइटिस्ट सेंसिटाइज रिएक्शन होती है प्रकाश संवेदी थोड़ा सा अपन उसको बता देता हूँ मैं उसके बारे में कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती है है ना उसकी जो एनर्जी एक्टिवेशन हमने पीछे पढ़ा था जैसा कि उसको कम करने के लिए उसमें उत्प्रेरक उस का काम में लेते हैं हम तो उत्प्रेरक से रिएक्शन फास्ट हो जाती है तो जो फोटोकेमिकल uh, रिएक्शन है वहां पर से मिलती जुलती है, है? है पर जो भी हम स्टडी करेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक तो वो फोटो सेंसिटाइजर नहीं हो है ना तो रिएक्शन का वेग बढ़ाता नहीं वो तो रिएक्शन करवाता ही है एक्चुअली उत्प्रेरक का रेट बढ़ा देता है अलग से पाथ देता है तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग